डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल साइंस एंड मैथ्स एकेडमी। आज मैथ्स के रियल नंबर चैप्टर के कुछ एमसीक्यू जो हैं, 10 एमसीक्यू वो मैं लेकर आई हूँ। ये एमसीक्यू जो है पैटर्न रियल नंबर्स का यही होगा, अगर डिजिट चेंज होगा तो मैं एक एक क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके बताऊंगी, ताकि आप इजिली अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो एग्जाम में आप इजिली इसे बना पाओगे, सॉल्व कर पाओगे। तो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो स्टार्ट करते हैं। पहला यहाँ क्वेश्चन है कि इफ ए इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 3 टू द पावर 3 का पावर इंटू 5 टू द पावर 4, और बी भी हमें वैल्यू दिया हुआ है कि 3 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 and then SCF of AB. SCF मतलब क्या होता है कि highest common factor. तो यहाँ पे highest common factor के लिए हम देखेंगे कि A और B में क्या common है। तो हम देख रहे हैं यहाँ 2 square है, यहाँ 2 cube है, तो हम इसमें से ले लेंगे 2 square, यहाँ पे 3 cube है और यहाँ 3 का square है, तो हम क्या लेंगे 3 square, और यहाँ पे 5 to the power 4 है और यहाँ हमारा 5 है, तो हम एक केवल 5 ले लेंगे। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 2 to the 4, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 into 5, और ये तीनों को मल्टीप्लाई करने से हमारा आंसर आ जाएगा 180। देयरफॉर हमारा पहला का आंसर हो जाएगा 180। अगेन इसी तरह अगर हम क्वेश्चन सेकंड को देखते हैं तो क्वेश्चन सेकंड में है एलसीएम। एलसीएम में भी हमें दो टर्म दिए हुए हैं और हमसे एलसीएम पूछा जा रहा है, तो एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो भी हमें गिवन है पहले हम वो राइट डाउन कर लेते हैं। तो एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे कि ये जैसे कि यहाँ पे जो भी हाईएस्ट हो, मतलब जो हमारा मेन होता है 2 क्यूब है और 2 टू द पावर 4 है, तो हम यहाँ पे 2 टू द पावर 4 को लेंगे, फिर यहाँ 3 है तो 3 लेंगे, यहाँ 5 है, 5 दोनों में है इसलिए 5 एक हो गया, और 7 आपको एलसीएम और एससीएफ निकालने तो आता ही होगा। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 2 टू द पावर 4 इज 16 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1680। देयरफॉर हम आंसर टिक किस पे कर देंगे, यहाँ पे जो डी ऑप्शन है 1680। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन सेकंड भी कंप्लीट होता है। नाउ थर्ड क्वेश्चन जो है हमारा कि पाई इज, हमारे पास चार ऑप्शन है कि एन इंटीजर, अ रेशनल नंबर, एन इरेशनल नंबर, और लास्ट में है हमारा नन ऑफ दीज। तो पाई जो होता है उसका वैल्यू हम जानते हैं कि 22/7 होता है, देयरफॉर हम यहाँ पे इजीली सी को टिक कर देंगे, एन इरेशनल नंबर। ये हमारा क्वेश्चन थर्ड भी क्लियर हो रहा है। नाउ यहाँ पे क्वेश्चन फोर को हम देखेंगे। क्वेश्चन फोर में है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा स्टेट्स दैट फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, दो यहाँ पे इंटीजर दिया हुआ है, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर such that a is equal to bq plus r, where r must satisfied. अब हमारे पास ये चार कंडीशन दिए हुए हैं, तो चार कंडीशन दिए हुए हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, समझेंगे इसे कि अगर हम दो इंटीजर है तो ऑन डिवाइडिंग डिवाइड करते हैं a by b, a को b से डिवाइड करते हैं, और हमें ये हम लेट करते हैं कि q and r जो गिवन है हमारा बी द quotient and remainder, दो चीज जो हमें given है वो एक quotient हो गया और एक remainder हो गया। तो हमारा जो formula होता है कि dividend is equal to divisor into quotient plus, उसके according अगर चलेंगे तो a is equal to b into q plus r, ये हमारा आ रहा है equation जो दिया हुआ है, तो इसलिए हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा कि where zero is greater than or equal to r, ये जो remainder है, or is greater than b, b जो यहाँ पे हुआ हमारा divisor, तो ये जो हमारा यहाँ पे ये condition आ रहा है, therefore हम इसमें tick कर देंगे, ये जो हमारा third point है, zero is equal to r is greater than b, ये question number four भी complete हुआ। now question fifth को देखेंगे, question fifth क्या है हमारा कि what is the largest number that divides 70 and 125, leaving remainder 5 and 8 respectively? ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हमें what is the largest number, हमसे largest number पूछा जा रहा है that divides 70 and 128, leaving remainder 5 and 8 respectively। तो यहाँ पे क्या है कि हमसे पूछा जा रहा है, जो यहाँ दो नंबर है हमारे पास, एक है हमारे पास 70 और दूसरा नंबर है 125, ये गिवन है हमें
70 नंबर और 125, और उसमें कहा जा रहा है कि रिमाइंडर 5 और 8, तो हम माइनस कर देंगे, 70 से 5 माइनस कर देंगे और इससे 8, तो दोनों को अगर माइनस करते हैं तो हमारा आंसर आता है ये 65 और यहाँ पे आता है 117. अब इन दोनों का हम SCF निकाल लेंगे, SCF निकाल लेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा. SCF निकालना आप लोग अच्छी तरह से जानते हो, ये अगर हम SCF निकालेंगे तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे, द आंसर इज SCF इज 13. देयरफॉर तो यहाँ पे हमारा कौन सा नंबर हो जाएगा, ये ए, ए में हमारा 13 है इसलिए हम 13 को टिक कर देंगे. आई होप आपको क्लियर हो रहे होंगे क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारा, सिक्स क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इज एक्सप्रेसिबल एज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल. यहाँ पे हमें चार ये ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों में से हमें बताना है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन सा है. तो टर्मिनेटिंग डेसिमल के लिए हम क्या करेंगे कि जैसे कि कोई भी यहाँ पे आप देखो कि 165, 30, 625 और 462, ये चार ऑप्शन है. तो अगर हम ये थर्ड टर्म है जो हमारा, तो यहाँ जो हमारा ये टर्म है इस टर्म को अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2027 और ये 625, 5 to the power 4 into 2 का पावर हम यहाँ पे 0 दे देंगे. अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 625 हो जाएगा. तो देयरफोर हमारा आंसर यही होगा कि सो इट इज एक्सप्रेसिबल, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक्सप्रेसिबल एज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये हमारा आंसर हो जाएगा. तो देयरफॉर हम यहाँ पे सिक्स जो है हमारा, सिक्स क्वेश्चन में हम टिक कर देंगे सी ऑप्शन को. अब आगे हमारा क्वेश्चन सेवन है. क्वेश्चन सेवन इज कि 1/√2 इज, 1/√2 क्या है. तो 1/√2 यहाँ पे चार ऑप्शन हमारे पास गिवन है, अ फ्रैक्शन, अ रेशनल नंबर, एन इरेशनल नंबर और नन ऑफ दीज. तो यहाँ पे हम देखेंगे उसको एक बार कि 1/√2 को हम क्या लिख सकते हैं. 1/√2 को अगर हम मतलब √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/2 और एक आएगा √2. तो यहाँ पे जो हमारा ये 1/2 है ये रेशनल है और √2 जो है वो क्या है, इरेशनल. तो द प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल ही होता है. अगर एक रेशनल नंबर हो एक इरेशनल नंबर हो और दोनों का अगर प्रोडक्ट बीच में मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या होगा, इरेशनल. देयरफॉर हम यहाँ पे इजिली टिक कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन में एन इरेशनल नंबर. अब हमारा क्वेश्चन एट जो है वो एक बार देख ले हम क्या है. व्हाट इज द लीस्ट नंबर दैट इज डिवाइडिंग बाय ऑल द नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 10 बोथ इंक्लूसिव. यहाँ भी हमारे पास चार ऑप्शन है, 100, 1260, 2520 और 5040. ये हमारे पास चार ऑप्शन है. तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हमारे पास जो नंबर है वो हम लिख लेंगे. जो नंबर है हमारा 1 से लेके 10 तक है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 यहाँ पे. तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1, 2, 3 और 4 को 2 to the power 2, 5 को एज इट इज, 6 को हम क्या लिख सकते हैं 2 into 3, 7 को ऐसे ही और 8 को लिखेंगे 2 का क्यूब, 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और 10 जो हो जाएगा हमारा 2 into 5, ये हम लिख सकते हैं. तो हम इसमें देखेंगे कि हमारे पास क्या रह रहा है. तो 1 into 2 cube into 3 square into 5 into 7 अगर हम इसमें देखेंगे तो ये चीज आ रहा है. अब हम इसको सॉल्व करेंगे. 1 का तो 1 ही होता है, 2 का क्यूब 8 into 9 into 5 into 7, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2520. तो हम यहाँ पे टिक कर सकते हैं ये जो ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी इज 2520. तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 8 भी कंप्लीट हो रहा है. क्वेश्चन 9 जो गिवन है, क्वेश्चन 9 इज द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर 37 और डिवाइडिंग 2 का स्क्वायर इनटू 5 विल टर्मिनेट आफ्टर. यहाँ पे हमारा ऑप्शन दिया हुआ है 1 decimal place, 2 decimal places, 3 decimal places एंड 4 decimal places. तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे राइट डाउन करेंगे कि हमारा नंबर क्या है, 37/2 का स्क्वायर इंटू 5. तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम ऐसा लिख सकते हैं कि 37 इंटू 5 और यहाँ पे 2 का स्क्वायर है ही और यहाँ पे एक 5 था, 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं. देयरफॉर
185 बाय हम कितना लिख सकते हैं, 2 × 5 का स्क्वायर, और हम लिख सकते हैं 185 बाय 5 × 10 का स्क्वायर, मतलब कि 185 बाय 100। तो ये अगर हम डेसिमल हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1.85, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसलिए ये टर्मिनेट होगा कहाँ पे, 2 डेसिमल प्लेसेस पे। तो हम यहाँ पे जो 2 डेसिमल प्लेसेस है उसको टिक कर देंगे। क्लियर हो रहा होगा क्वेश्चन आपको। और लास्ट जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज कि क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर दिए हुए हैं, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 1600 एंड देयर एचसीएफ इज 5, द एलसीएम ऑफ नंबर्स इज, अब हमें इसका एलसीएम फाइंड करना है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, जो हमारा ये फॉर्मूला होता है क्वेश्चन 10 में कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम, यही होता है। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हमारा 1600 दिया हुआ है, एचसीएफ 5 दिया हुआ है और एलसीएम हमें फाइंड करना है। तो ये 5 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, अगर हम डिवाइड कर देंगे तो एलसीएम आ जाएगा, डिवाइड करने पे हमारा आंसर आ रहा है 320। तो यहाँ पे हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, 320। तो ये जो हमारे एक सारे क्वेश्चन थे 10 के 10 MCQ, ये सारे MCQ मैंने सॉल्व करके आपको इसलिए बताए हैं कि क्वेश्चन कुछ भी अगर आएगा पैटर्न तो सेम ही होगा, तो पैटर्न आप इजीली अगर जानोगे तो आप कोई भी MCQ जो सही होगा उसे टिक कीजिएगा, या शॉर्ट क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन आए तो भी आप उसे इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे, और अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेरी रह जाती है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कीजिए, मैं डेफिनेटली आपको उसका रिप्लाई करूंगी। और अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा, और अगेन मैं रिपीट करती हूँ, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।